मऊगंज हमें प्लेट में रखकर दिया गया है। मऊगंज में बाढ़सागर का पानी चाहिए, तमाम तरीके की सुविधाएं चाहिए। पिछले दिनों मऊगंज की जनता ने जिस तरीके से 50,000 लोगों की गिरफ्तारी दी थी, मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा उसी का नतीजा है। विधायक ने जिस तरीके से मऊगंज की जनता का अपमान किया, उनका कहना था कि मऊगंज की जनता को अगर सरकारी अनाज ना मिले तो मऊगंज की जनता भूखी मर जाएगी। ये मऊगंज की जनता का अपमान है। विधायक को मऊगंज की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको लेकर सीधे चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहां पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर्वप्रथम तो आज होली का त्योहार आजकल से लग रहा है, इसके लिए आप सभी को और अपने सभी क्षेत्रवासियों जिलेवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ आज बोलने का मेरा ये विषय है कि आप सब जानते हैं कि दिनांक 4 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाकर के मऊगंज में रीवा जिले से हट करके मऊगंज जिले की घोषणा की कि मऊगंज जिला बनना शुरू हो गया है। आने वाले समय में 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे। निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि हमने कई बड़े बड़े आंदोलन किए। एक बार उन्नीस हजार की गिरफ्तारी दिया, दूसरी बार 27,000 की गिरफ्तारी दिया और तीसरी बार 37,000 का जन आंदोलन हुआ। और जब मैं विधायक नहीं था अभी हाल ही में हमने 50,000 की गिरफ्तारी जनता जनार्दन मऊगंज की जनता जनार्दन के साथ दिया। और उसमें ये बात बोली कि अगर मुख्यमंत्री को मऊगंज जाना है तो मऊगंज जिले की घोषणा करनी पड़ेगी, अन्यथा अगर 6 महीने के अंदर जिला नहीं बनता तो हम अपनी सीमा स्वयं बना लेंगे। उसके का ये परिणाम आया कि मजबूर होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब मऊगंज गए, उन्हें मऊगंज जिले की घोषणा करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त को नए जिले की का झंडा फहराएंगे। आप सब ने भी देखा होगा वो तो कितने दबाव में थे। वैसे चाहे जैसे भी हो, उन्हें मऊगंज की जनता जनार्दन के सामने झुकना पड़ा और मऊगंज की जनता जनार्दन की भावनाओं को देख करके जिले की घोषणा उन्होंने करी। इसके लिए मैं मऊगंज की जनता जनार्दन की ताकत को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि मऊगंज की जनता में कितना जज्बा है, ये अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े उसका परिणाम जीत के रूप में आया। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे हमारे बाणसागर का पानी हो, ये भी मैंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन ये प्रकरण अभी अधूरा चल रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की, ये दुर्भाग्य का विषय है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 7 सालों से, प्रदेश में 18 सालों से शिवराज की सरकार, जिला बनाने में वैसे भी हिला हवानी उड़ने करी, ये जिला 10 साल पहले बनना चाहिए। जब कांग्रेस की पहले सरकार थी, रामधनी मिश्रा जी पूर्व विधायक हुआ करते थे, उस समय जिले की बात उठी। इसके बाद फिर लक्ष्मण तिवारी जी ने इसको ताकत से उठाई, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ आप सबके माध्यम से। आई इस बात को और भी छोटे छोटे समितियाँ बना करके संघर्ष समिति ने मुद्दे को उठाया, लेकिन पूरे ताकत से जनता जनार्दन और मेरे साथ ने लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम है। लेकिन रीवा मिर्जापुर रेल लाइन और बाणसागर का पानी ये अधूरा है, इस पर सरकार को कोई चिंता नहीं है और हमारा अगला लक्ष्य जो है तो बाणसागर का पानी और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को लेकर के लड़ना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता ने जिले को लेकर के सहयोग करा है और वह जीत हासिल हुई है, आने वाले समय में हम बाणसागर का पानी और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन भी लेकर के रहेंगे। इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ कि जब जब जरूरत पड़ी है तो रीवा की मीडिया ने, मऊगंज की मीडिया ने हमारा साथ उसी तरीके से दिया है जिस तरीके से हम चाहते थे। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप सबका सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम मऊगंज की आन बान शान के लिए सदैव संघर्ष किया हूँ, करता रहूँगा और हर लड़ाई में जनता जनार्दन का सहयोग लेते हुए हम विजय हासिल करेंगे। ये बात जरूर है कि अभी मऊगंज की जो सीमा बनाई गई है एक तरीके से हमें प्लेट पर मऊगंज मिल रहा है, जिससे हमको थोड़ा सा इसमें बेचैनी है, लेकिन अगर समय आएगा तो उस पर भी हम आगे आने वाले समय विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल
जनता जनार्दन को धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने यह जो जीत हासिल करी है, इसके लिए हम आने वाले समय में एक बड़ी सभा करके जनता का धन्यवाद करूँगा। सच्ची बात यह है, वो विधायक जब से बने तो उनका पेट दिन दूना रात चौगुना हो गया और इतनी लूटमार कभी नहीं हुई क्षेत्र में। धन्यवाद दें मऊगंज की जनता को कि उनको 47,000 वोट दे करके विधायक बना दिया, और नहीं तो अभी तक न रह जाते इस धरती पर, और उसी के कारण उनका पेट भर रहा। आज भी तो नमक रोटी और प्याज खाते हुए दिखाई देते हैं। हम यही बात बोल रहे, मऊगंज की जनता भूखी नहीं है, बेटा रथी नहीं है, स्वाभिमान का खाती है, स्वाभिमान से जीती है, और अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती है और लड़ करके जीतना जानती है। तो चाहे गाली दे, चाहे पिछड़ा कहे, चाहे जो मन में आए उनको वो कहे, लेकिन इस बार उनको जनता सबक सिखाएगी, बस इतने कहेंगे। और बाकी न मऊगंज कभी पिछड़ा था, न कभी पिछड़ा है, न आने वाले समय में, अगर मऊगंज पिछड़ा होता तो आज लड़ करके जिला बनाने के लिए मजबूर नहीं करता। इसलिए मऊगंज की जनता जनार्दन ही है जिसके दम पर आज जिला बन रहा है।